हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंफोसिस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 7 अक्टूबर 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन करके रख दिया है। ये चार्ट जो है मैंने मेरे जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंफोसिस में यहाँ पे आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन जो है वो क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला है 1.31% का पॉजिटिव मूव। 1918.15 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या ऐसा ही पॉजिटिव मोमेंटम रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मोमेंटम आने वाले उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है किस रेंज में जो स्टॉक क्लोज हो सकता है वो भी यहाँ पे आपको बताएंगे। अकॉर्डिंग टू फ्राइडे क्लोजिंग मंडे को क्या हम एक्सपेक्ट करें पूरा यहाँ पे आपको बताएंगे। तो जरूर जो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको हर एक चीज जो समझ में आ जाओ किस तरह से जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं यहाँ पे जो आप कोई भी चीज मिस ना करें। अब मैं बात करूँ डेली के चार्ट पे फिलहाल वॉल्यूम की तो एवरेज से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम जरूर देखने मिला। कैंडल यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज की बॉडी जरूर बनी, नीचे की साइड में बारीक सी, ऊपर के साइड में छोटी सी यहाँ पे विक देखने मिल रही है। इन्वर्टेड हैमर एक तरह से हमें बनते हुए देखने मिले। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अगर आपको जानना है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में प्लेलिस्ट ऐड किया, उसको आप जरूर देखें। आरएसआई की बात करें तो 55-56 के आसपास आ चुका है जो हमें जरूर एक नेगेटिव मोमेंटम का जो इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पर जो भरोसा नहीं कर सकते। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं आपको जो ट्रेंड बता देता हूँ। तो स्टॉक में ट्रेंड जो है वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जरूर जो है पॉजिटिव मूव के एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव हमें जो अराउंड 1933 के आसपास देखने मिल सकता है, उसको भी क्रॉस करते हैं मोमेंटम हमें जो है वो 1960 तक आने वाले दिनों तक जो हम आते हुए देखने मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना आने वाले दिनों के लिए। मेरी यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। 1 आवर के चार्ट में चलिए बात करते हैं मंडे के दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन सबसे पहले जो हम मार्क करके रख देते हैं। कुछ यहाँ पे मार्किंग्स आप देख सकते हैं ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट जो डेटा बना उसके बेसिस पे हमें जरूर मार्किंग करनी, क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं जहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग जो कम्प्लीट होने आई है। जूम करके मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग के, उसके पहले जो कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन अगर हमने कोई मिस कर लिया तो उसको भी यहाँ पे हम यहाँ पे कंप्लीट जो वो कर लेते हैं। अब मैं बात करूँ क्लोजिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1921 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे हमारा 1915 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1924 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड पे स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस जोन क्या बनता है आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 1907 का, उसके बाद का था 1899 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के बाद का अगला था 1934 का, उसके बाद का था 1945 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन आपको बताया, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो अपना यहाँ पे इस मंडे का जो है ट्रेड ले। मेरी एक्सपेक्टेशन मंडे के लिए कहूँ जरूर एक पॉजिटिव मूव के 1924 से के 1934 के रेंज में मेरी क्लोजिंग की जरूर एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम हमें नेगेटिव तभी देखने मिला जब 1915 के नीचे स्टॉक जो है 15 मिनट की कैंडल जो अगर क्लोज हुई तो ही हमें नेगेटिव मूव देखने मिला, वरना एक पॉजिटिव क्लोजिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रेंज में। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।